मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास में हमने आपको बायो में गुणसूत्रों के रोगों के बारे में बता रहे थे। पहला बताया था हमने आपको क्या डाउन सिंड्रोम, ठीक है। तो दूसरा डाल दीजिए टर्नर सिंड्रोम, दूसरा क्या डाल दीजिए टर्नर सिंड्रोम। तो एक वैज्ञानिक के डॉक्टर है हेनरी टर्नर, डॉक्टर हेनरी टर्नर ने टर्नर सिंड्रोम की खोज की थी। ये 1938 थी, ठीक है। इन्होंने बताया कि ये गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्रों की केवल एक्स गुणसूत्र पर ही अपना प्रभाव डालता है, ठीक है। और इस पर एक गुणसूत्र कम होता है, यानी कि 46 की जगह 45 गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 45 गुणसूत्र होते हैं। यानी कि इसका होता है 44+x। आगे बात समझिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मेल में इस रोग से की अधिकता से जो भ्रूण है वो मृत पैदा होता है, और फीमेल अगर है, ठीक है, तो उस फीमेल का जो भ्रूण होता है उसका अंडाशय अल्प विकसित होता है या कम विकसित होता है, ठीक है। तो लिखिए, यह केवल स्त्री में होने वाला विकार है, यह केवल स्त्री में होने वाला विकार है। इसको सबसे पहले डॉक्टर हेनरी टर्नर ने 1938 में बताया था, या इसकी खोज डॉक्टर हेनरी टर्नर ने 1938 में की थी। इसमें लिंग गुणसूत्रों में केवल एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, अर्थात इसमें 44+x गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। यह लिंग गुणसूत्रों की एक न्यूनता सूत्र का उदाहरण है। यह लिंग गुणसूत्रों में एक न्यूनता सूत्र का उदाहरण है। पुरुषों में 44+y पुरुष लिखिएगा, यानी कि मेल लिखिएगा 44+y, ठीक है, में भ्रूण मृत उत्पन्न होता है, तथा फीमेल में 44+x में अंडाशय अल्प विकसित होता है, इसके अतिरिक्त मादा बंधत छोटे कद की झालरदार गर्दन युक्त तथा स्तनविहीन होती हैं, फीमेल में आवाज भारी तथा मासिक धर्म अनुपस्थित होता है। यह लगभग 5000 स्त्रियों में किसी एक को पाया जाता है, ठीक है। हो गया टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट डाल दीजिए क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। हेरी क्लाइनफेल्टर ने बताया था और इसकी खोज पुरुषों में की थी। किसमें की थी? पुरुषों में।
खोज पुरुषों में की थी। यह भिन्न गुण सूत्रों की एकाधिकता सूत्रता के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में XXY लिंग गुण उपस्थित होते हैं, अर्थात इसमें 47 गुणसूत्र होते हैं X तथा Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण व्यक्ति में मेल तथा फीमेल दोनों के लक्षण सम्मिलित होते हैं। X तथा Y गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण इसमें मेल तथा फीमेल दोनों के लक्षण उपस्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति का शरीर लंबा, वृषण छोटे, शुक्राणु निर्माण अनुपस्थित, कम बाल तथा अल्प विकसित स्तन युक्त होते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये चैप्टर आपका आज से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आ लिए। वंशागति का आणविक सिद्धांत। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वंशागति का आणविक सिद्धांत। देखिए, आणविक सिद्धांत का मतलब होता है गुणसूत्र के बारे में पढ़ना। ठीक है, गुणसूत्रों के बारे में पढ़ना। देखिए बेटा, गुणसूत्र आपको आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा, हमने पढ़ाया ना आपको कि गुणसूत्र यानी कि कोशिका। ठीक है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। उसमें उपस्थित केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। बताई थी ये सारी बातें कि नहीं बताई थी? ठीक है, और केंद्रिका के बारे में बताया। लेकिन इसके अंदर उपस्थित केंद्रिका के अंदर उपस्थित धागे नुमा रचना को जिसको नागिनी ने देखा था, इसका वॉलेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया। किसने दिया? वॉलेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया। तो ऐसे लिखिए कभी, लिखिए कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने तथा केंद्रिका की केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी तथा नागेली ने इसके अंदर उपस्थित धागों को देखा और वॉलेयर ने इसे गुणसूत्र का नाम दिया। उसके आगे डाल दीजिए हैविंग डीएनए। इसका फुल फॉर्म होता है देखिए एक वैज्ञानिक थे जर्मनी के, फ्रीडरिक मिस्टर। क्या नाम था? फ्रीडरिक मिस्टर। इन्होंने 1869 में सबसे पहले
डीएनए की खोज करी थी और इसे निकलिन का नाम दिया था। काय का नाम दिया? निकलिन का। ठीक है, सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे कि डीएनए की खोज जो है जर्मन के वैज्ञानिक फ्रीडरिख मिशर ने 1869 में की थी और इसे निकलिन का नाम दिया। ठीक है, फिर अगली लाइन पे लिखेंगे क्योंकि ये केंद्रक में पाया जाता है इसीलिए इसे केंद्रक द्रव के नाम से जाना जाता है या केंद्रक अम्ल के नाम से जाना जाता है। लिख लिया? ओके, फिर डाल लीजिए डीएनए में कोशिकाओं की स्थिति। डीएनए में कोशिकाओं की स्थिति नेक्स्ट टॉपिक कल रहेगा बेटा।